हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए टोमेटो ऑमलेट बनाई, वही वीडियो आप लोग से मैं अभी शेयर कर रही हूँ। टोमेटो ऑमलेट बनाने के लिए मीडियम साइज़ का 4 टोमेटो ली हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा अदरक का टुकड़ा दे लिया, 4 हरी मिर्ची ले लिया। मिर्ची आप लोग का हिसाब से ले लीजिए, हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्ची ले लिया। तो ये टोमेटो ऑमलेट है, इसके लिए टोमेटो थोड़ा ज़्यादा लेने का। देखिए, अच्छे से टोमेटो को ग्राइंड करके ले लिया, अच्छे से एक पेस्ट बन गया। उसके बाद मैंने इधर बेसन लिया, 150 ग्राम उतना बेसन लिया मैंने। तो मुझे ज़्यादा बनाने का नहीं था, इसके लिए मैंने थोड़ा ही बेसन लिया। आप ज़्यादा बनाने के रहेगा तो बेसन ज़्यादा लेगा तो टोमेटो भी थोड़ा ज़्यादा लीजिए। ये टोमेटो ऑमलेट है, इसके लिए टोमेटो थोड़ा ज़्यादा लेने का। आप टोमेटो को ग्राइंड करके डालिए, अदरक टोमेटो और हरी मिर्ची को, तो अच्छा टेस्ट आएगा। कट करके भी डाल सकते बट इतना टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ग्राइंड करके डालेगा तो और भी कलर भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा नमक ऐड किया और एक छोटा सा ऑनियन भी ऐड किया और धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया। अभी पानी डाल के अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बना के लेगी। हम लोग डोसा के लिए कैसा बैटर बनाते हैं वही बैटर बना के लेगी, वैसे ही। देखिए, अभी अच्छा सा एक बैटर बन के तैयार हो गया। बैटर में टोमेटो का इतना कलर नहीं दिख रहे, ऑमलेट बनने के बाद अच्छा कलर भी दिखेगा। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते। डोसा तो हुआ, अच्छे से गर्म हुआ तो मैंने थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दिया। तो उसके बाद देखिए, अभी मैंने बैटर डाल के दे रही हूँ अच्छे से। हम डोसा कैसा डालते हैं ऐसे सेम डालने का। इसके साथ खाने के लिए चटनी और अचार का नहीं तो सॉस का ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे पास पहले से पिसा हुआ चटनी था और अचार भी था, इसके लिए मैंने यूज़ किया। मैं अदरक और हरी मिर्ची सब पिसा हुआ है, इसलिए टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ज़रूरी नहीं है अचार और चटनी चाहिए करके, तो आप शाम को 4 बजे 5 बजे बच्चे लोग के लिए भी बना के दे सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी आप बना के खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो एक साइड अभी फ्राई हो गया, दूसरा साइड अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं चिल्ली पाउडर नहीं यूज़ की हूँ तो भी इतना अच्छा कलर आया। ये टोमेटो का ही कलर है और इसमें हल्दी पाउडर भी नहीं यूज़ की थी मैंने, थोड़ा जीरा पाउडर डाली थी, मैं भूल गई वो बोलने के लिए, थोड़ा जीरा पाउडर डाली थी। वैसे तो बेसन का चीला सब लोग घर पे बनाते हैं ये, बट इसमें मैं सब ग्राइंड करके डाली तो और भी टेस्ट लगेगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज का मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा बताइए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।